बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को सबसे बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के सभी तीन विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि वीआईपी के पास निर्वाचित प्रतिनिधियों के तौर पर केवल यहां तीन विधायक और एक विधान पार्षद मुकेश सहनी खुद है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बतौर विधान पार्षद सहनी का कार्यकाल कुछ ही हफ्तों में पूरा होने वाला है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या विधान पार्षद बिहार में नहीं बच पाएंगे। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल और स्वर्णा सिंह भाजपा में शामिल हुए। वे अपने विधायक दल के भाजपा में विलय के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने वीआईपी के तीनों विधायकों के भाजपा में विलय को मान्यता दे दी है। हालांकि इस मसले पर सैनी की अनियमितता जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अब तक जानकारी नहीं है। वीआईपी के तीन विधायकों के भाजपा में विलय के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व खत्म हो गया है। अब वीआईपी का प्रतिनिधित्व केवल बिहार विधान परिसर में ही शेष रह गया है। यह भी बस कुछ हफ्तों की बात है। न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।